आराम बोन वन तथा ख्याल देखिए ये बहुत ही दुखद हादसा एक इधर हुआ जिसमें ये तहसील ऑफिस में आग लगी थी और जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है ये अब इस काबिल नहीं रही कि इसको अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर सकें। तो हमने इमीडिएटली जो हमारा ये नया कॉम्प्लेक्स एक रेवेन्यू का यहाँ पे बन रहा था उसमें हमने ऑलरेडी जो काम है थोड़ा सा तेज़ी से करवाया था, अब इसमें थोड़ा सा काम बचा है और एक दो दिन में ये शिफ्ट करने के लायक है। तो हमारा इमीडिएटली जो है ये वाला जो प्रीमाइसेस है नया वाला ये ऑक्यूपाई करेंगे और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं वो यहीं से फंक्शनिंग करेंगे। कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हमने एक तो सबसे पहले CRPF या बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के अकोमोडेशन के लिए लैंड भी आइडेंटिफाई की है और उनकी तरफ से भी ये जल्दी किया जा रहा है कि वो यहाँ से, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस है तो उनके भी एक अल्टरनेट जगह भी हो जाएगी, तो उसके बाद ये यहाँ पे जो है फंक्शनिंग थोड़ी सी और बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कंजस्टेड होता जा रहा है तो हम अल्टरनेट लोकेशन भी आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे उनको भी सहूलियत हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी सहूलियत हो। रिगार्डिंग जल गया तो कितना जल गया, ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो तहसीलदार बांडेपुरा हैं ये इन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए और ओनरशिप दिखाते हुए, जो कि मैं बोलता हूँ आजकल कई बार मिसिंग भी होती है ऑफिसर्स में से, वो सोचते हैं हम एक जगह है और हम यहाँ से पोस्टिंग हो जाएगी तो हम इस ओनरशिप क्यों लें, लेकिन इन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उस वक्त इनकी और इनकी टीम ने रिकॉर्ड को पूरी तरह बचाया और जो हमारा अहम जो मेन रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है बाकी जो फाइलें थी वो सारी की सारी इन्हीं के सेफ कस्टडी में है। तो एक ही बहुत ही मैं बोलूँगा एक हमारी किस्मत से बहुत ही अच्छी बात है कि रिकॉर्ड जो है फिलहाल वो 90% तक सेव है और बाकी भी जो है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा।